भरावियो कई बार चुप कराई उठते न्याणे, इनके सामने कई बार ज्ञान सारा फीका पड़ जाता है। तो बच्चों को समझ आनी चाहिए मूलता हर बात, क्योंकि ये समझ गए तो आनंद ही आनंद है। तो मास्टर जी ने बताया मुझे, जो उनके साथ नौकरी करते थे, मित्र भी थे महाराज जी, लगे आखन की उनकी लीला दी कोई समझ नहीं आती, अस इन्ना चिर इकट्ठे रहे हैं, रोज नवे हैं, रोज नवी गल होंगी अंदर, डेली चेंज, और इन्ना जीवन दे विच उनके विराग हा ईश्वर दे प्रति, इन्नी असंगता ही असंगता है, डिटैच जिहड़ा अटैच नहीं हो सकता, डिटैच असंगता जां उस आखदे विरक्ति, रोना सारे च पर किरख कोई चीज अगर नहीं। मैं जी कोई उनकी गल सुनाओ, आखन एक बारी मैं सोचा था कहा कि देखो कोई अवतारी तो नहीं है, मैं इनकी मित्र समझना, कई बारी मजाक मजाक च किश आखी उखी भी लैंदे आ। आखन एक बारी स्कूला आवा दे घरा, तेज तेज सैकल चला दे, दहीं का बड़ा शौक है उन्हें, दही दुध मठा ये खाना, बाकी मास्टर भी खिलाना, पिछे चगरा रखे रहा सैकल के पिछे होंगे ना कैरियर जहा, कैरियर चुकी है बिच, बड़ा सोहना वो मिट्टी का चगरा उपसाए का, तो सैकल की थोड़ा जहा जंप लग गया, वो चगरा बिच उस कैरियर पर निकलिया, तो सड़क पर ठप किता पे टुटी। आखा दे मैं सामने आवा रहा, मैं देखिया कि हूं क्या करते, भला शास्त्री और चगरा तो टुटी आ, लगे आखन बड़े सोहने तगड़े है, उन्हें फटाफट दोनों हाथ सड़क पर लाए, आखन सुरिंदर सैकल बाद चो चुक गए, यदा कख नहीं बिगड़ना, पर दही मेरा सारा खराब हो जाना बड़ा, तो इन दोनों हाथ जी सड़क पर लाइए ना, तो मूह कन्ने के जरा उपर उपर दही पे रहा जो खराब नहीं होता हा, उपर उपरा दही खाई लिया। आखिर प्रसाद है गौ माता का, इसी बर्बाद नहीं पैर नहीं सुटना, जिन्ना इसी बंदा प्रसाद तौर पर ले लै इन्ना चंगा, तो दुध दही तू भी खा कर, तू बड़ा सुके पतला। आखन वो तो ठीक है, पर मैं पहली बारी देखी कोई इन्नी कदर करता दुध दही की, तो उन्हें ही कह कोई घाटा खोड़ी है दुध दही का, पर इंजा हर गल पिछे एक छोटा जा मैसेज होता। तो उन्हें मुझे सुनाया कि सानू छुट्टी हुई, पूरे असें क्लास की पढ़ाया पढ़ोया, जल्द छुट्टी हुई तो स्कूल बच्चे बुच्चे सारे चली गए, अस भी आए, तो चिड़ी उस दिन छिंज हुई, चिड़ी छिंज ही, जिंजा जिंजा ढोल वजे ना, तो महाराज सैकल फड़े दा कत्था च, मैं कन्ने सुरिंदर सुना दे मास्टर जी, आखन मैं कन्ने ये सुरिंदर मास्टर इत्थों वाले शामी चकाले की गल करदा, तो मिगी लगे आखन शास्त्री जी महाराज अड़िया ढोल दिखा कि शैल बजा दा छिंजा दा, चल हाँ छिंजा चल चल, मिगी पता हा कि इंदा कोई पता नहीं मूड दा, उत्थे जाइए घुलनगे ना लई पौन, तो सुरेंद्र मास्टर जी लगे आखन भरावा गल सुन, एक शर्त पर जाना ही, जे उ चुप चाप करिए छिंज दिख गए, जे उ जाइए तो लगे आखन नहीं नहीं मैं घुलना है, तो भरावा भलवान बड़े बड़े तगड़े होंगे नहीं, असें मास्टर के भलवानी करनी, साड़ा काम है पेन कन्ने घुलना, पेन इज माइटर देन स्वाट, साड़ा काम है पेन कन्ने घुलना, क्योंकि पेन तलवारी को भी वड्डा काम करता। हुण आखिया कड़ा उपदेश मैं सुन लेता, तो लोगों भी सुना, ठीक है पेन जरूर तलवारी को भी वड्डा काम करता है, पर मैं समझना कि जिहड़ी सेध है ना इहे बंदे दी सब तो वड्डी दौलत है, चल हां एक बारी छिंजा चल चल, और रस्ते च इहे वास्ते पांदे जान सुरिंदर होर कि उत्थे जे खुलना नहीं दिखी लैयो तुहां, क्योंकि उन्ने तो ढाई उड़ना तो साड़ी बेइज्जती होणी, इन्हें सैकल कुते इहां लगाया कंधा कुंधा कन्ने खड़ा रहा, चलिए छिंजा च। उस दिन की होया था कि छिंजा दे विच जिहड़ा वड्डा भलवान हाँ वो कोई आया हा पंजाब वाली बखी का, कला गए ललकारे मारे उहदे कन्ने कोई कुल नहीं उठे नहीं, सारे आखन के निके भलवाना कन्ने कलाई उड़ो, कलाना तो है गया, तो कमेटी के कुछ बंदे छिंजा ली आखन कि यार निके कन्ने जे कलाई उड़िया तो इं सुकी कमाली ले जानी उन्हें, तो इसलिए निके की भी के कलाना है, इं दे उड़ो पैसे, मारे नाथ खड़ा किता कि यार इं इं कहली देने पैसे मैं घुल लेना, सुरिंदर बथेरा घुट फड़ा मारे दो, तुम ठाकिया ना मैं तुम फिर काम किया,
मास्टर जी तुस बैठो हाँ। बस मैं इं गया जो ढाई उड़ जा मैं ढाई लग गया मारे गए लंगोटा पाए होने फटाफट थोड़ा जा वार्म अप किया डंड बैठक लाइया बड़ी मालिक जी मत्था टेकिया और 15-20 मिनट लाए महाराज ने शैल जोर किया और बाद ची ढाइए मुड़िए अखाड़े की मत्था टेकिया महाराज उत्थे हलिया हलिया हुई चिड़ी च कि वह भराई वह पंडित जी आते ना उत्थ पढ़ाण सरकारी स्कूल मास्टर ने बड़ा भलवान टाई उड़िया उन्हें मास्टर ते भलवान हूं कोई साढ़े बीबू की आख्या भलवान ते कदों बने हो सकता है पर बड़े घट लोग लभदे क्योंकि किताबें च नहीं फुरसत मिलती जिन्नियां क्लासां वड्डियां होंदियां जान ना ते साहब मास्टरें भी कई बार बेचारे घर होमवर्क करिए तो फिर पढ़ाने जाने पैंदा जिहड़ी वड्डी क्लासां पढ़ांदी तो सारे हैरान इसलिए सारे आख्या कि भाई साढ़े लोकल हो तुस इसलिए साड़ी मर्जी है तुस एक फेरा लाओ अखाड़े का जिन्ना भी वह पेड़ खलोते होंगे ना जो लोग दिखने वाले आए होंगे उनकी मर्जी है असें असें भी भाई मास्टर ने किश ना किश देना है इनाम तो मारे गई उन्हें एक गले च कपड़ा पाया तो कपड़ा पाइए आख्या बस थोड़ी झोली च नाम पाते जाना तो मारे की झोली च वह सस्ता समा 10-20-50 वह पूरी झोल भरी उड़ी मारे ने जल्द चक्कर कट्टिया ना पूरा अखाड़े का तो झोल भरी दी उस भलवाना ही सद्या जो बेचारा टट्ठी होना बच्चू इधर हाँ जी भलवान जी मारे आकर मैं भलवान नहीं यार मैं मास्टर हाँ इं कर बच्चू ये पैसे तू ले आ और जो नाम जितया ना वह भी तू ले आ किश उदास हुई हूं गल जी मैं सुना चाहना हूं वह गल आई है हूं ध्यान दे उन्हें कुसा की ढाई लिया कोई बड़ी वड्डी गल नहीं क्योंकि मैं हूं आखिया 5 मिनट पहले कि जे तुस कुसा कोला जितना चाहते हो तो प्रैक्टिस जेड़ी है वह सब किश करवाई सकती है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट थोड़ा अभ्यास तुसें गी बड़ी जल्दी परफेक्शन आली बखी ले जाई सकता है पर जेड़ी मारे ने हूं गल की है आ हा 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 साहब ये गल जेड़े साधक ने बड़े बड़े जेड़े साधु लोग ने वो इस गल की सुनिए हिलते ने थोड़ा जिहा कि पढ़ाते मौके भी उनकी इन्नी उच्ची स्थिति थोड़ी उदास हुई है नाम जेड़ा माली ही पैसे ही सब उसी देवड़े बच्चों तू ले जा अपने कर लिया सुरेंद्र मास्टर जी ने पूछा कि शास्त्री जी की गल है तुसें तुस उदास भी हुई है इन्ना जोर लाइया उसी ढाया मगरों माली भी उसी देई पैसे भी उसी देई उड़े की हुई है तुसें महाराज जी ने सुरेंद्र जी की आख्या हल्का जहा मुस्कुराए लगे आखन सुरेंद्र जी गल ये है कि जिसले मैं उसी भलवाना की ढाया मेरे अंदर दा थोड़ा जहा मेरा अहम अहंकार जागृत होया उस अहंकार की वजह कन्नै मेरी चाल बदली मैं अखाड़े जिले चला रहा हाँ मैं जज करा रहा हाँ अपने आप की कि मेरे अंदर थोड़ी अभिमान की बोआ मैं उसी महसूस किया उस लगे मुझे ठेस लगी कि भलिया मानसा तू नहीं जितया तू उस भलवाना की ढाया ते तेरे अभिमान ने तू भी ढाई लिया अल्टीमेटली हार तो मेरी गई ना क्योंकि मिगी अभिमान ने दबी लिया उस मौका थल्ले जिसले मैं उस भलवान की ढाया साहब ये गल छोटी नहीं है ये गल नहीं समझ आई सकती जिन्ने चिर अस इस मटेरियलिस्टिक लाइफ च फसे दे आ ना इन्नी चिर एकड़ी गल्लां नहीं समझ आई सकती कोई आध्यात्मिक मार्ग उपर चले दा साधक होए वो इस साधक उस साधक की गल समझ आई सकती है कि तुरंत एक ट्विस्ट लिया तुरंत एक मोड़ लिया और लई पे आखन कि मेरे अंदर अहंकार की बोल आई पी यार अहंकार की मेरे अंदर बास जी बासना आवा रही मैं उस लगे महसूस होया ओहो तेरा अभिमान जागृत होवा कि तू तगड़ा है उस लगे निर्णय लिया कि नहीं मेरे शरीर ने तो उसी ढाया है पर मेरी मेरे मेरे अंतःकरण ने मिगी ढाई लिया अभिमान ने अज कुला मैं घुलना नहीं छिंजें च प्रैक्टिस करके जब बच्चे सिखा करके छिंजा च नहीं घुलना अच
सुरिंदर लगाखन महाराज जी तुम्हारी समझ नहीं लगती, चलते चलते उदास हो जाते हो, कदे कृष्ण दी गल्लां करा दे हो ते टप टप पत्थरू लई बंदे डिगन, कदे एडी एडी उच्चियां गूढ़ वेदांत दी गल्लां नॉर्मल चलते चलते समझाई। बंधुओं मैं आपसे भी बेनती करूं, ऐसे महापुरुष जीवन में अगर मिल जावे तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि समझिएगा, सारे को बड़ी अचीवमेंट समझी लो, कोई इस लेवल का महापुरुष सानू जीवन च मिले, जिन्हें शास्त्री जी महाराज है जेडे ये आखते हैं कि भाई ये अभिमान इन्ना सूक्ष्म है, सूक्ष्म मैंने बरीक, इन्ना सूक्ष्म है कि कोई पता नहीं कुसलै साढ़े अंदर प्रवेश करिए। दान करने ना कई बारी, दान करते करते कई बारी अभिमान प्रवेश करी जांदा। एक दिन कुसा ने मंदिर बनवाया, ना नहीं मैं लेना, एवं जाई पुछ गई उसी मंदिर बनवाया तो सानू सद्दिया, अस गए मत्था टेकिया शिवेंगी, बड़ा शैल मंदिर, गल करते करते उहदे कोल खोई आ कि महाराज मेरी उम्र दी होर भी तो कई ने, किन्ने लोग मंदिर बनवा देना। मेरे मन च उस लगाया कि मैं बनाइए मिट्टी करी उड़े ये जवाना, हाँ मेरी उम्र दे होर भी बड़े ने, मैं हाली छोटी उम्र दा, देखो मैं मंदिर बनवाया, बनवा दा कोई महाराज, तो मैं बखरे करी आऊंगा। आखी उड़े, आखना नहीं चाहिए, सारे च पब्लिकली तो नहीं आखना चाहिए, पर साहब जे डॉक्टर भी झूठ ले पौन ना मारन मरीजा कन्ने कि नहीं नहीं तेरे आंगर से कोई है नहीं, समझो मरीज गया थोड़ी देर, जे वजीर झूठ मारा राजे कन्ने तो समझो राजपाठ गया, जे गुरु झूठ मारा शिष्य कन्ने तो समझो धर्म गया। रामायण च लिखे दा